वेलकम बैक, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक टॉपिक अपना जो त्रिभुज वाला वो अपने स्टार्ट करवा रखा था, उसके अभी तक दो वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। उसी के आगे आज चलते हैं उसके पार्ट नंबर 3rd पे, वीडियो नंबर 3 आज स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नावली अपने चल रही थी 7.1, उसमें 6 प्रश्न अभी तक कंप्लीट हो गए। तो कुल मिला के जो प्रश्नावली 7.1 है, जो 7.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके अंदर क्या दो प्रश्न अपने रह गए उनको करते हैं। तो देखो है क्या प्रश्न को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, मैं प्रश्न के अंदर वो सातवें में पूछना क्या चाह रहा है उसके बाद डायग्राम वगैरह बना के मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। तो पहले आप प्रश्न को सुने, देखो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ, बोलो कि क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है, AB क्या एक रेखाखंड है और P इसका क्या है मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट, अभी बिल्कुल ठीक है। अब ये कह रहा है कि D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर स्थित है, दो बिंदु इस प्रकार हैं कि ये जो दो कोण दे रखे हैं वो आपस में क्या है बराबर हैं। तो चित्र में बना के बता देता हूँ भाषा में क्या लिखा। भाषा में ये कह रहा है कि AB एक रेखाखंड है, क्या है AB एक रेखाखंड है, इसका मिडिल पॉइंट कोण है P है। इसके बाद ये कहना चाह रहा है जो D और कोण है E, जो आपका D और E है वो इस प्रकार है। जैसे यहाँ तो मान लेते हैं आपका क्या है D है और इधर आपका कोण है, इस साइड मान लेता हूँ मैं E है। अब ये D को E से मिला रहा है और D को P के क्या थोड़ा सा आगे की ओर कवर अप कर रहा है, ऐसे ही इसको यहाँ मिला रहा है और इसको मिला रहा है इधर, ये है ना, थोड़ा और इसको छोटा सा हो गया, थोड़ा इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये यहाँ मैच करवा रहा है इसे भी। तो इस प्रकार से ये दो बिंदु आपको ऊपर की ओर दे रखे हैं, कौन सा दे रखा है D और E। और ये देखो मैं फिर से बनाता हूँ, देखो ये थोड़े से क्या है बैठे नहीं, देखो ये क्या बिंदु P पे मिलते हैं, सॉरी जैसे E और ये आपका जो बिंदु D है वो कहाँ मैच हो रहे हैं, इनको ये P से मिलाता है, ये यहाँ एक यहाँ मैच हो गया, एक आपका इस साइड का मैच हो गया, इस प्रकार से ये मिला रहा है। और साथ में ये कह रहा है ये जो दोनों एंगल है वो एंगल आपस में क्या है बराबर है, ये दोनों एंगल क्या है बराबर। तो जो लिखा है देखो मैं लिख देता हूँ, क्या दे रखा है P किसका, AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है भाई, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अपने को ये पता चल गया कि AP बराबर क्या है BP, AP और BP आपस में क्या है बराबर है। फिर देखो एंगल का जो नाम किताब में दे रखा है मैं वही लेता हूँ, ये कह रहा है एंगल BAD, एंगल कौन सा है BAD, एंगल आपका BAD, ये वाला एंगल कौन सा, देखो BA और D, BAD है, ये बराबर है किसके, ABE के, एंगल ABE के बराबर है, इस एंगल का ये क्या है बराबर है ABE के बराबर है। और साथ में एक एंगल और दे रखा है जो अंदर वाले है, वो कौन से है EPA, एंगल कौन सा EPA बराबर एंगल DPB के, किसके DPB के, ये सारा मैटर आपको क्या है दिया हुआ है। तो जो मैटर दे रखा है उसको तो आपने लिख लिया, ये तो अपने को दे रखा है। देने के बाद आपको जो सिद्ध करवाना है, दर्शन है से सिद्ध करवाना क्या दे, तो वो क्या क्या, देखो पहला तो ये कह रहा है कि DAP सर्वांग सम होगा EBP के, तो यहाँ लिख देता हूँ सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध करना है। पहला प्रश्न कि त्रिभुज कौन सा DAP सर्वांग सम होना चाहिए, किसके त्रिभुज ABP के, ये वाला जो त्रिभुज है ये वाला देखो है ना, कौन सा DA आओ फिर P, ये जॉइंट करो ये त्रिभुज आएगा, उसके बाद इधर से देखो तो E से कहाँ जाए B से फिर P और ये आपका त्रिभुज बनेगा, ये दोनों सर्वांग सम बनाने। सेम जैसे इसका जो छठा प्रश्न अपने किया था सेम वही सिचुएशन देखो आपको देखने को मिलेगी, अभी अपने इसको करेंगे। दूसरा और ये सिद्ध क्या करवाना चाह रहा है कि AD बराबर क्या होगा BE, क्या होना चाहिए AD बराबर BE, AD है वह BE के बराबर होना चाहिए,
ये आपका AD हो गया, ये AD और BE बराबर ये हो जाएंगे। ये क्या देखो दो त्रिभुजों की भाग है ना, तो यदि दो त्रिभुज आपस में आप सर्वांग सम बना दोगे तो त्रिभुज यदि सर्वांग सम है तो उनके जो पर्टिकुलर भाग है वो भी क्या रहेंगे बराबर होंगे, उनकी साइड है एजेज है और जो एंगल है वो भी आपस में क्या रहते हैं बराबर रहते हैं। तो देखो ये अपने को सिद्ध करवाना, ये मैटर अपने को दे रखा है, सारा सिस्टम आपको समझ आ गया। दो तो ये कोण बराबर है, साथ में P मिडिल पॉइंट है, तो AP और BP आपस में क्या बराबर दूरियां होगी, और साथ में ये वाला कोण कौन सा DAB BAD कहते हैं, DAB कहते हैं ये वाला, और कौन सा ABD ABE ये दोनों आपस में क्या बराबर है, ये सारा मैटर दे रखा है। सिद्ध करवाना ये जो त्रिभुज है इसके क्या होना चाहिए, सर्वांग सम होना चाहिए। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो जिसको सर्वांग सम करवाना वो त्रिभुज ने, तो पहले पार्ट में लेता हूँ किसमें, त्रिभुज DAP तथा त्रिभुज EBP में, इन दो त्रिभुजों के अंदर क्या क्या जानकारी है। पहले जानकारी कि AP बराबर BP, AP और BP क्या है बराबर है, दे रखे हैं किताबन दे रखा है, ये यूँ कह सकते हैं पी किसका AB का मध्य बिंदु, इतना लिख दो उसको पता चल जाएगा, किताब में प्रश्न भाषा में आपको लिखा हुआ है। साथ में देखो दो कोण बराबर है, तो पहले तो जो सिंगल कोण नजर आ रहा है वो ले, तो स्वतंत्र कोण आपका ये है, ये हो जाएगा BAD, तो एंगल BAD बराबर है, BAD एंगल किसके ABE के बराबर है, ये अपने नहीं लिख क्या है, ये आपको क्या है दिया है, ये किताब वाले ने क्या है दिया है। अब देखो एक साइड और एक एंगल तो हो गया, दूसरा ये जो टूटा हुआ एंगल है ये अपने को दे रखा है, ये कौन सा एंगल, देखो आप त्रिभुज ले रहे हो ये वाला, ये दिखाई दे रहा है ये वाला त्रिभुज आप ले रहे हो, इस त्रिभुज को लेने में आपके पास एंगल देखो इतना ही है, एंगल क्या इतना ही है, हालांकि एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए तब जाके इस त्रिभुज का एंगल आएगा। वही सेम सिचुएशन क्या होगी जब आप इधर वाला त्रिभुज काम में लोगे, है ना, ये वाला कौन सा ABPA, यदि आप त्रिभुज काम में लोगे उसमें देखो एंगल, उसमें भी याद है एंगल है, ये टुकड़ा बाकी रह गया तो उसमें भी एंगल ये पूरा होना चाहिए। तो देखो दोनों त्रिभुजों में एंगल को कंप्लीट करवाने के लिए ये जो DPE एंगल है, ये जो बीच वाला जो एंगल है, ये समझ आ रहा है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, ये जो एंगल बीच वाला आ रहा है कौन सा DPE एंगल आ रहा है, वो इस त्रिभुज में भी कम है, इसमें भी नहीं आ रहा, तो अपने को जो ये बराबर दे रखे हैं इन दोनों के अंदर, यदि इस हिस्से को मैं जोड़ दूं तो समान है पहले से और सेम संख्या दोनों साइड यदि आप जोड़ोगे तो जो पहले मतलब जो इक्वेशन बैलेंस के अंदर थी अभी भी आप क्या रहेगी बैलेंस के अंदर रहेगी, तो ये दोनों साइड जैसे अपना जोड़ेंगे जोड़ते ही आपका पूरा कौन सा जाएगा एंगल आ जाएगा और दो एंगल बराबर होते हैं सर्वांग सम हो जाएगा। बस इतना सा काम आपको करवाना है, तो जो दे रखा है मैं वो लेता हूँ, क्या दे रखा है कि EPA ये बराबर है एंगल किसके DPB के बराबर, ये तो दे ही रखा है। ये जो कोण है ना जो बीच वाला है जो खाली जगह है इसको मैं इसमें दोनों पक्षों में जॉइंट करता हूँ, तो क्या लिखते हैं कि दोनों पक्षों में कौन कौन सा DPE जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ दे भी। आप इधर जोड़ोगे तो ये देखो इधर आपने जोड़ दिया DPE और बराबर सामने जो DPB है उसमें भी आप क्या जोड़ दें DPE को फिर जोड़ दें, तो देखो पहले क्या था EPA इतना ही था ना, अब एंगल आपका क्या आ गया DPA आ गया, तो कंप्लीट बनके एंगल क्या आ गया DPA बराबर, इधर आपका पहले एंगल था DPB अब ये और जुड़ गया तो पूरा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे EPB, तो एंगल क्या होगा EPB, दोनों एंगल क्या हो गए बराबर होते ही ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए सर्वांग सम। त्रिभुज कौन सा कि DAP सर्वांग सम होगा किसके EBP के, किस नियम से आपने बराबर कहा है, तो एंगल साइड और एंगल क्या कहेंगे एंगल साइड एंगल नियम से ESA रूल के द्वारा क्या हो गए सर्वांग सम हो गए। और दूसरा तो देखो ऑटोमेटिक आ गया यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो ये इसके क्या है भागित है त्रिभुज के दो पार्ट है दोनों ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अपन लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज DAP क्या है सर्वांग सम है किसके त्रिभुज EBP के, तो क्या होगा तो आपके पास कौन सा AD भुजा BE के बराबर होगी। लिख देंगे यदि हिंदी में लिखना तो लिख दो, और तो क्या भी कारण कि क्या है यह है क्या देखो यह है
सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग है, सर्वांगसम त्रिभुजों के भाग है, इस वजह से ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। तो लिखिए तो ठीक है, नहीं लिखो तो चल जाएगा, सर्वांगसम आपने बना दिया तो इनकी ये दोनों साइड भी आपस में कैसी होगी, इक्वल ही होगी। तो ये था अपना सातवां प्रश्न था, तो सातवें को आप देख लें एक बार, है ना, किस रूप में ये दिया हुआ है, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें इसको आगे करते हैं, इसको आठवें प्रश्न को करेंगे। तो प्रश्न देखो सारे आसान है, इसमें कुछ ज्यादा मैटर नहीं है, सिर्फ आपको बताना ही है कि वो सिस्टम क्या है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर और आगे चलते हैं। तो ये भी क्या अच्छा प्रश्न है ना, अच्छा और आसान भी है भाई अपना। तो इसका स्क्रीनशॉट यदि आपने ले लिया है तो इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे चलते हैं। आप दोबारा से इस प्रश्न को हल करके देखें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपको छठा समझ आ रहा है तो आठवें में भी वही काम करो, है दोनों प्रश्न क्या है कि जैसे हैं दोनों को जोड़ा है। अब इसका जो सात पॉइंट है, इसका लास्ट प्रश्न है कौन सा, प्रश्न नंबर जो आठवां है वो कर लेते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा है, उसमें क्या पार्ट थोड़ा ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं कर लेंगे भाई। इनमें तो क्या है, एक दो चीजें हो जाती है ना, उसके बाद कोई समस्या नहीं आती, फिर कोई समस्या नहीं आती भी। तो इसमें देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज आपका कौन सा है, एबीसी है, जिसमें कोण सी के समकोण है, ठीक है। आठवें प्रश्न में आधा पढ़े करें, ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है भाई, ये लो अपना समकोण त्रिभुज बना दिया, ये समकोण त्रिभुज, इसमें कोण जो सी है ना वो अपना ये कह रहा है समकोण है, ठीक है भाई लगा दिया। इसके बाद अपने यहाँ तो क्या लिख लें, ए, इधर क्या ले लेता हूँ मैं बी। आगे ये कह रहा है कि M कर्ण AB का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है ये भी ठीक है, M है जो AB का मध्य बिंदु है। फिर ये कह रहा है कि C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM और CM आपस में क्या है, बराबर है। बिंदु D को बिंदु B से मिला दिया जाता है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, कुछ नहीं करवा रहा। ये कह रहा है इसका मिडिल पॉइंट M है, तो ये मिडिल पॉइंट M आ गया, ये क्या आ गया, M आ गया। अब इतनी लंबाई की रेखा आप यहाँ खींचो, तो जब आप ऊपर जो बिंदु मिलेगा आप बढ़ाओगे तो उस बिंदु को मैं पहले बना देता हूँ, अपने तो बढ़ने से मतलब है, ये बन गया, ये अपना तैयार हो गया, यहाँ बिंदु D आ गया और ये कह रहा है इसको आप यहाँ मिला दो। तो होता है क्या भाई, देखो बराबर लेंथ है, इसका मतलब ये क्या है विकर्णी हो गए, एक तरह का क्या है, एक वर्ग का, एक उसका भी वर्ग का क्या, एक तरह से विकर्ण का काम ये कर रहा है। तो दे रखा क्या है, त्रिभुज आपका कोण सा एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण है। साथ में ये दे रखा है कि एम किसका, एबी का, एबी का मतलब कर्ण कौन सा, देखो कर्ण ही है, कर्ण एबी का मध्य बिंदु है। देखो मध्य बिंदु होने का मतलब हो गया कि BM और AM आपस में क्या है, बराबर, ये BM और ये लेंथ आपस में बराबर है। और क्या कह रहा है कि CM और DM बराबर है, तो CM बराबर आपके क्या है, DM, और कुछ कह रहा है क्या, इतनी बातें ये कह रहा है। और देख लेंगे अब भाई जो मैटर सिद्ध करना है वो देखें, सिद्ध करने में काफी चीजें, सिद्ध करने में चार पार्ट है। पहला ये कह रहा है त्रिभुज EMC, कौन सा EM और C, ये सर्वांगसम आपको करवाना है BMD के, EMC त्रिभुज कौन सा EMC सर्वांगसम आपको करवाना है किसके, त्रिभुज BMD के। पहला तो ये मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ना, इधर वाला, ये वाला इधर वाले त्रिभुज के सर्वांगसम बनाना है, एक नंबर को दो नंबर के सर्वांगसम आपको करवाना है। उसके बाद सेकंड ये कह रहा है कि जो एंगल है DBC वो क्या है, समकोण है। एंगल DBC, एंगल क्या है DBC, ये आपको बताना है क्या है, समकोण है। थर्ड और तीसरा, तीसरे पार्ट में वो समझाना चाह रहा है कि त्रिभुज DBC कौन सा, DBC ये सर्वांगसम होगा ACB के, त्रिभुज कौन सा DCB, ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होना चाहिए किसके, त्रिभुज
एबीसी के एबीसी इधर वाले त्रिभुज के सर्वांग समान से एसीबी कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लो एसीबी लिख देता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तो पड़ता है वैसे, सर्वांग समय वो एंगल क्या होते हैं बराबर होते हैं। हाँ भाई ठीक है, और आगे चलते हैं। चौथे प्रश्न में ये क्या कह रहा है, चौथे में ये कह रहा है कि सी एम बराबर एक बटा दो ए बी है। सी एम है जो ए बी का आता है, सी एम बराबर क्या है एक बटा दो ए बी, ये अपने को सिद्ध करवाना है। तो ये चार मैटर अपने को सिद्ध करवाना, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, मैं छोटा लिखने का प्रयास करूंगा, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो सिद्ध करवाना है, सॉल्यूशन आपको करवाना है कि पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम बनाना है। तो बनाने के लिए काम आप करें, क्या काम करें आपको, काम ये करना है कि इन दोनों त्रिभुजों को लो। तो पहले पार्ट में कौन सा लेते हैं, त्रिभुज ए एम सी तथा त्रिभुज कौन सा बी एम डी में, इन दो त्रिभुजों के अंदर सबसे पहली बात तो आपको जो दे रखा है वही लिखें। पहला तो दे रखा है बी एम, यह बी एम और ए एम बराबर है, तो लिख दो कि बी एम बराबर क्या है ए एम। कहां से पता चला, ये अपने को दिया है भी। उसके बाद और दे रखा है कि सी एम और डी एम बराबर है, तो ये भी लिखूं मैं, क्या लिखूं कि सी एम बराबर क्या है डी एम, ये भी मैटर मेरे को क्या है दिया है किताब में, दो हो गए। तीसरा देखो क्या करोगे, ये जो एंगल है देखो दो रेखाएं आपस में क्रॉस करते हैं, ये सीधा विमुख कोण हो गए, तो ये दोनों कैसे होंगे बराबर होंगे। तो क्या लेते हैं AMC, एंगल AMC बराबर होगा एंगल BMD के, BMD के बराबर होगा, एंगल क्या होगा BMD के बराबर होंगे। ठीक है, अब यदि ये बराबर है तो ये आया आपके पास कहां से है, तो इसको लिखेंगे क्या कारण है, ये शीर्षा विमुख है, क्या है शीर्षा विमुख है, शीर्षा विमुख कोण है बराबर क्यों है, शीर्षा विमुख कोण है। तो देखो साइड साइड और एक एंगल बराबर आ गया, आते ही कह देंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है सर्वांग सम है आपस में, तो लिखेंगे त्रिभुज आपका कौन सा AMC सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BMD के। किस नियम के द्वारा, साइड एंगल साइड नियम से, SAS नियम से क्या हो गए दोनों आपस में हो गए आपके बराबर, कैसे हो गए आपस में बराबर आ गए हैं। तो ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, सर्वांग सम होते अपने को ये मालूम है कि ये भुजा इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये दोनों भुजा क्या हो गया आपस में बराबर। तो आपका AC बराबर होगा किसके, AC और BD क्या हो जाएंगे बराबर, अच्छा साथ में ये बराबर है ना, ये क्या है बराबर है। और BC देखो दोनों के अंदर सेम डिस्टेंस आ रही ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी समांतर भी होगी। साथ में आप ये देखोगे, देखो ये भुजा ये भुजा एक तीरिक रेखा आपको AB कट कर रही है, कट कर देखो ये वाला कोण इस कोण के क्या होगा बराबर, तो ये भी मैं लिख देता हूँ कि BAC एंगल क्या है BAC एंगल BAC बराबर होगा, BAC बराबर होगा किसके इधर वाले के, तो ये एंगल क्या आ रहा है देखो ABD एंगल क्या रहा है ABD के बराबर आ रहा है। साथ में आप ये बताएं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये समांतर भुजाएं हैं, आप ये भुजा लोगे तो उस कंडीशन में ये लिख सकते हैं कि अपने पास ये जो कोण है कौन सा है ACD एंगल ACD बराबर होगा, ये वाला एंगल है जो बराबर होगा किसके BDC के, एंगल किसके BDC के बराबर होगा। तीन चीजें निकल के आ गई, दोनों कोण और दोनों ये वाले कोण, इधर वाला कोण उसके बराबर, इधर वाला कोण उसके बराबर आ गया। ठीक है, बराबर है भाई, जैसे दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है उस कंडीशन में ये भुजा इसके बराबर है। तो देखो अगर मान लो आप इसको वैसे नहीं समझ आ रहा, पैरेलल आप नहीं मानो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ से काटोगे, काट के देखो बी एम ए एम के बराबर है ना, तो इसको उठा के रखोगे कहाँ, ऐसा आप उल्टा करके रखोगे तो बी एम यहाँ चलेगा तो ये कहाँ आएगा यार, तो ये वाला कोण तो इसके ढगे है, इधर वाला कोण कहाँ ढकेगा इसको ढकेगा, तो ये वाला इसके बराबर होगा, इधर वाला इसके बराबर होगा। और बराबर होने का मतलब क्या हो गया कि आपके पास ये दोनों भुजाएं क्या है समांतर है और ये तिरेक रेखा इसको कट कर रही है, और तिरेक रेखा यदि कट कर रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा ये दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे आपस में बराबर आ जाएंगे। तो ये तो हो गया अपना पहला पार्ट, बताओ कि मैं दूसरे वाले पार्ट को कैसे करवाऊं,
सेकंड वाले पार्ट को मैं कैसे करवाऊं? और कुछ इसमें समझ आ रहे हैं? डीबीसी एंगल कहाँ है? देखो डीबीआरसी डीबीसी एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा क्या? किसके? एसीबी के बराबर आ जाएगा क्या? आप कैसे कह सकते हो कि ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। ये कैसे कह सकते हैं भाई? ये कैसे कह सकते हैं कि ये आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। सोचो, देखो एक काम कर लेते हैं, ये जो संपूर्ण वाला पार्ट है ना, इसको एक बार आप छोड़ दें, इसको कर लेंगे, आगे लिख के कर लेंगे। आप पहले तीसरे में आप देखो, इसकी थर्ड पार्ट को करना आसान है। ये जो चीजें आ रखी है ना, ये अपने इसके अंदर काम आ जाएगी। पहले तीसरा कर ले, फिर दूसरा कर लेगी। तो देखो, तीसरा पार्ट में आपको पहले करवा देता हूँ। ये कह रहे हैं कि डी सी बी कौन सा? देखो ये रहा डी सी और बी, ये वाला समकोण, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और कौन सा? ए सी बी, ए सी और बी, ये वाला त्रिभुज, ये सर्वांश हम आपको बनाने। तो पहले मैं ये वाला पार्ट कर देता हूँ कि डी सी बी तथा किसमें? त्रिभुज ए सी बी में। आपको बढ़िया से समझ आएगा, पहले मैं करवाऊंगी तो ये करवा दूं, सीधा ना समकोण आ जाएगा। परंतु पहले आप ये कर लो, ताकि फिर आराम से समझ आ जाएगा कि ये क्यों बराबर है, है ना, किस लिए अपने ले सकते हैं। ठीक, तो देखो ले, आपने लिया ये त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। तो देखो क्या आ रखा है, आपने ये चीजें यहाँ लिखी है, एक नंबर, ये लो दो, ये तीन नंबर, ये सारी चीजों को नंबर दे देता हूँ। ए सी और बी डी क्या है? बराबर है। तो ये लिखें कि ए सी बराबर बी डी। कहाँ से लिखी हुई बात ये? समीकरण नंबर एक से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करवाए तो ये भुजाएं मैंने क्या करवा दी? बराबर। अब बराबर करवाने के बाद दो चीजें मेरे सामने लिखी हुई, आपके सामने पड़ी हुई, तो क्या ये दोनों काम मिलेंगे? क्या ये दोनों काम मिलेंगे? अब देखो फिर से सुनो कि ये जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है, इसमें एक चीज और कॉमन आ रही है। कौन सी कॉमन आ रही है? ये देखो, ये क्या है? बीसी। तो बीसी बराबर क्या होगा? बीसी क्यों है? क्योंकि वे दोनों की उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है? दोनों त्रिभुजों की उभयनिष्ठ भुजा होने की वजह से क्या होगी? दोनों बराबर आ गए। इतनी चीज समझ आ गई। और देखो, इस त्रिभुज में ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल क्या है? बराबर है। ये कहाँ करवाए? समीकरण नंबर दो में, बी ए सी, और क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? ए बी और डी, ना क्या लिखा है इसमें? बी ए सी, बी ए सी ये वाला, ठीक है। और कौन सा लिया था? ए बी डी, ए बी और डी, ये वाला लिया। तो ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है, ये वाला त्रिभुज इसके बराबर है। अब देखो और क्या काम करवा सकते हो इन दो त्रिभुजों में, आप और क्या काम करवा सकते हैं? एक चीज और है, कैसे आप कह सकते हैं क्या कि भाई ये जो भुजा आपकी ए बी है वो सी डी के बराबर होगी? अगर आप ये कह दोगे तो आपका ये सर्वांगसम हो जाएगा। क्या ये कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं आप? किसको बराबर आप करवा सकते हो भाई? किसको बराबर ले सकते हैं? क्या अपने ये कह सकते हैं कि वो दोनों क्या है? बराबर है, ठीक है। क्या अपने ये ले सकते हैं कि ये वाला पार्ट है जो आपका, ये जो भुजा आपकी कौन सी है? सीडी है, वो ए बी के क्या है? बराबर है। क्या ऐसा अपने कह सकते हैं? क्या ऐसी बात को अपने ले सकते हैं उस प्रश्न के अंदर? अगर आप ये ले लोगे तो अपना प्रश्न क्या है? कंप्लीट है, हो जाए। तो अपने ये तो कह ही सकते हैं कि जो अपने पास सीडी और क्या है बी डी क्या है? बराबर है। क्योंकि देखो ये दो अपने पास क्या है? समांतर रेखाएं होगी, और इनको एक तीर रेखा ये काट रही है, एक तीर रेखा आपकी ये वाली काट रही है। उस कंडीशन में ये और ये लंबाई बराबर है, इधर की लंबाई बराबर है। तो ए सी, ये सॉरी ए बी और क्या है? सी डी बराबर होगी। तो अपने ये लिखेंगे भाई कि ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर क्या है? सी डी। तो देखो तीनों साइड क्या होगी? बराबर होगी। तो ये लिख देंगे कि दोनों जो त्रिभुज अपने लिए हैं, कौन सा? डी सी बी सर्वांगसम होगा। किसके? त्रिभुज ए सी बी के। किस नियम के द्वारा? साइड 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 नियम के द्वारा, ट्रिपल एस नियम से क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम होने के बाद सेकंड वाला अब कर लो, ये कह रहा है ये एक समकोण होगा। बिल्कुल होगा भाई, इधर का ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपने क्या करवाए? सर्वांगसम करवाए। तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ कि चूंकि जो त्रिभुज आपका डी सी बी है
वह सर्वांग सम है, किसके त्रिभुज एसीबी के सर्वांग सम है, तो देखो क्या होगा। तो ये जो दोनों कोण है, कौन सा, ये वाला कोण, तो एंगल कौन सा, डीबीसी, एंगल डीबीसी बराबर होगा एसीबी के, कोण एसीबी के बराबर होगा। तो डीबीसी तो पड़ा है, एसीबी आपको मालूम है क्या 90 डिग्री का है, तो ये वाला कोण भी क्या होगा 90 डिग्री का आएगा। अब कर लेते हैं इसके चौथे पार्ट को। चौथा ये कह रहा है कि सीएम है जो 1/2 एबी के बराबर होता है। देखें, चूंकि आपको ये जानकारी के अंदर है कि जो सीडी वो एबी के बराबर है, तो सीडी बराबर क्या लिखा, एबी। आप देखो एबी तो सामने रखना है, इसके टुकड़े नहीं करवाने, सीएम को ये सीडी को आप जोड़ो। सीडी कैसे बना है, सीएम प्लस डीएम के द्वारा। तो सीडी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीएम प्लस डीएम, सीएम प्लस में डीएम बराबर क्या लिखा, एबी। अब आपको ये जानकारी के अंदर है कि सीएम और डीएम आपस में क्या है, बराबर है। सीएम और डीएम आपस में क्या है, बराबर है। तो डीएम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीएम। तो ये सीएम तो आपका पहले से पड़ा है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सीएम। सामने क्या लिखा, ए बी। सीएम और सीएम क्या हो गए, ट्वाइस सीएम आ गया, सामने क्या लिखा, ए बी। अब ये जो दो है वो उधर भेज दें तो दो कहाँ चला जाएगा, बट्टे के अंदर, तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 ए बी। ये सिद्ध हो गया, ये सिद्ध हो गया 90 डिग्री का, ये सिद्ध आ गया। ये दोनों त्रिभुज यहाँ सिद्ध करवा दिए, ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे सिद्ध करवा दिए। तो इस प्रश्न में क्या है, थोड़ा सा जटिलपन है, थोड़े से क्या पार्ट इसमें थोड़े से ज्यादा है। तो आज अपना ये 7 पॉइंट जो एक है, 7.1 है, वो आज कंप्लीट हो गया। इसके आगे का जो पार्ट है, पार्ट नंबर जो 4th है, उसमें अपने करेंगे 7.2 का पहले कुछ बेसिक करने के बाद। 7.2 बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 या 3 वीडियो के अंदर उसको भी 7.2 जो 7.2 है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, और आगे की तैयारी के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, जल्द ही आपको मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।